हेलो फ्रेंड्स, आज हम जाबर बिन हियान के मेथड से सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करेंगे। जाबर बिन हियान एक अजीम मुसलमान साइंसदान था जिसने ना सिर्फ बहुत से नए केमिकल्स दिए, इसके साथ साथ बहुत सा केमिस्ट्री लैब में जो अपरेटिस इस्तेमाल होता है वो भी जाबर बिन हियान ने तैयार किया, उसे मुतारफ़ करवाया। और जो जाबर बिन हियान ने केमिस्ट्री लैब के लिए अपरेटस बनाया वो आज भी इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी इस्तेमाल होती हैं। तो जाबर बिन हियान का जो तरीका था वो आज के तरीके से काफ़ी मुख्तलिफ था। आजकल जो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहा जाता है। उसमें हम पहले सल्फ़र को बर्न करते हैं, उसे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं एक कैटलिस्ट के थ्रू, और जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस है उसको हम फिर पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है, उसे हमारे पास 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो 100% वो कन्वर्जन नहीं होती, बहुत सी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस जो है वापस सल्फ़र डाइऑक्साइड में आ जाती है, जिससे कि काफ़ी सारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। तो जाबर बिन हियान का जो तरीक़ेकार है, इसकी दिलचस्प बात ये है कि इसमें कोई भी ऐसा बाई प्रोडक्ट तैयार नहीं होता जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो। तो ग्रीन विट्रियोल जाबर बिन हियान ने इस्तेमाल किया था। ग्रीन विट्रियोल का जो इसका केमिकल फार्मूला है वो फेरासल्फेट है, Fe(SO4.7S2O) ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। इस टाइप के इसके क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये नज़र आ रहा हो क्लियरली। तो इसको जब हम हीट करते हैं तो इसमें जो फेरासल्फेट होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट किस में होता है, वो आयरन ऑक्साइड, और उसमें से हमारे पास जो गैस रिलीज़ होती है वो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जिसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं, उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास आ जाता है। तो चलें, इस अजीम साइंसदान का तजर्बा आज हम फिर से दोहराते हैं और ट्राई करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की। ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है, प्योर वाटर है। डिस्टिल वाटर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि, क्योंकि पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिएक्ट करके कुछ और ही ना बन जाए। घरों में बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, डीसी बैटरीज, उनके अंदर जब हम पानी ऐड करते हैं तो वो डिस्टिल वाटर ही ऐड किया जाता है। तो इसकी जो पीएच है वो हम दे सकते हैं, ठीक है, ये पीएच पेपर, ठीक है। तो इसकी जो पीएच है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, लाइट ग्रीन कलर पीएच पेपर के ऊपर, ठीक है, आता है इसके थ्रू। तो जब हमारा एसिड तैयार हो जाएगा फिर हम पीएच उसकी चेक करेंगे तो वो रेड कलर हमें देगा पीएच पेपर, ठीक है, जैसा कि इस स्केल के ऊपर नज़र आ रहा है, जो 1 है, ठीक है, 1 के ऊपर हमारे पास रेड कलर आता है, अप टू 7 तक वो कलर लाइट होता जाता है। तो 1 का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक सब्सटेंस।
इसकी हम पीएच चेक करते हैं। नोट करें कि जो पीएच पेपर है वो रेड हो चुका है। फाइंड दिस